हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के नेक्स्ट मेथड्स के बारे में जानेंगे। वीडियो के पहले पार्ट में हम ऑलरेडी जान चुके हैं परसेंटेज मेथड, तो आज हम जानेंगे दूसरे मेथड्स। तो सेकेंड मेथड क्या है? मोलालिटी। एंड थर्ड मेथड क्या है? मोलारिटी। मोलालिटी दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और मोलारिटी जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। तो हम साथ के साथ दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर का दोनों पे क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। जबकि मोलारिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बिग डिफरेंस क्या है मोलालिटी और मोलारिटी में? यहाँ हम क्या ले रहे हैं? मास ऑफ द सॉल्वेंट ले रहे हैं, जबकि यहाँ हम क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ले रहे हैं। यानी अगर आप समझे इस तरह से, अगर कहा जाए कि 1 मोलालिटी का कोई सॉल्यूशन है, सपोज 1 मोलालिटी का NaOH सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? 1 मोलालिटी का NaOH सॉल्यूशन है। इट मींस क्या हुआ कि 1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 1 मोल किसका? NaOH का प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। जबकि अगर हम कहें कि 1 मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन है, 1 मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट में ये 1 मोल प्रेजेंट है, जबकि ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अभी हम देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। इससे ज़्यादा और भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी एंड मोलारिटी। दोनों पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? तो मोलालिटी डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलालिटी टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे क्या है? मास, और मास टेम्परेचर के साथ कभी नहीं बदलता। जब मास नहीं बदलता, इसलिए हमारा मोलालिटी भी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम मोलारिटी की बात करें, यहाँ क्या है? वॉल्यूम। तो आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है? ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ देखिए मोलारिटी वॉल्यूम के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही जो मोलालिटी है और मोलारिटी है, दोनों ही मेथड से हम सॉल्यूशन के कंसेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? मास ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ क्या इन्वॉल्व हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको यहाँ मान लो गिवन है 1 मोलारिटी NaOH एंड 1 मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन और 1 मोलारिटी का NaOH सॉल्यूशन। आपसे पूछा विच हैज हायर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन किसका होगा? कैन यू टेल मी? यस, आपको आता है? यस, आता होगा। चलिए एक बार फिर भी हम क्या कर लेते हैं? इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कि 1 मोलालिटी का मतलब क्या है कि जो मोल्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है वो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो यहाँ सॉल्यूशन जाता है, जबकि यहाँ 1 मोल ऑफ द सॉलिड किस में प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये जो सॉल्यूट का अमाउंट है ये तो दोनों में ही सेम है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन क्या है, ज्यादा है। यहाँ सॉल्यूशन कब बनेगा, इस सॉल्यूट और इस सॉल्वेंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा है तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि यहाँ सॉल्यूशन कम है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन यानी मोल कंसेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी, हमने क्या पूछा, विच हैज हायर कंसेंट्रेशन। अगर हायर कंसेंट्रेशन की बात करें किसमें हायर होगा, 1 मोलैरिटी के सॉल्यूशन में, चाहे वो कोई अन्य वस्तु की जगह कोई भी एग्जांपल हो, मोलैरिटी विल। अगर हमने मोल्स का अमाउंट क्या रखा है, सेम रखा है, जैसे यहाँ भी 1 मोल है यहाँ भी 1 मोल है और सेम हमने सॉल्यूट लिया है, दोनों में अन्य वैस सोल्यूशन लिया है, सेम सॉल्यूट है और मोल्स भी सेम है, तो हमेशा किसमें कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, मोलैरिटी का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और मोलैरिटी में हमेशा कंसेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो एक बात और समझते बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जनरली जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें एक लाइन गिवन होता है कि कहीं जैसे गिवन है आपको कि 2 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन, इस एक वर्ड से आप क्या क्या पता कर सकते हो, व्हाट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस वर्ड्स। सो देखिए 2 मोलैरिटी स्मॉल एम है, मोलैरिटी 2 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 2 मोल्स of NaCl each present in 1 kg of solvent। क्या मतलब हुआ, अगर आपको 2 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन गिवन है तो यहाँ से हम सॉल्यूट भी पता कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी पता कर सकते हैं और सॉल्यूशन, इन तीनों का अमाउंट पता कर सकते हैं। सो 2 मोलैरिटी का मतलब हुआ कि 2 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है कितने में, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो चलिए हम सॉल्यूट का अमाउंट निकालें, तो सॉल्यूट कितना है हमारा, 2 मोल्स NaCl, ठीक है। अब 1 मोल किसी भी सबस्टांस का 1 मोल किसके बराबर होता है, उस सबस्टांस की मोलर मास के बराबर, यानी 1 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ NaCl। मोलर मास ऑफ NaCl हम निकालते क्या होगा, 23, Na का मास क्या हो गया 23, Cl का मास क्या हो गया 35.5, दैट इज 58.5 ग्राम। 1 मोल किसके बराबर हो गया, 58.5 ग्राम के बराबर हो गया। तो 2 मोल्स किसके बराबर हो जाएंगे, 2 मोल्स इक्वल टू 2 × 58.5 ग्राम। इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट हमने पता कर लिया, ठीक है। अब हमें पता करना है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो तो ऑलरेडी गिवन है 1 kg, तो जो सॉल्वेंट लेना है वो कितना लेना है हमें, 1 kg। अब 1 kg में कितना ग्राम होता है, 30,000 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना बन गया, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना है, तो आपका सॉल्यूट क्या है 117 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, टोटल कितना हो गया 1117 ग्राम क्या बन गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यू कैन सी यहाँ एक ही वर्ड गिवन, क्या गिवन है 2 मोलैरिटी। बस इस 2 मोलैरिटी से हम क्या हमने क्या फाइंड किया, हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी पता किया, हमने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी पता किया और हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी पता किया। तो ये जो वर्ड है ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेरीज प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट kindly subscribe my channel. Thank you.